करते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं मोदी जी, आप जिसका हुआ दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी कहते हो, आपकी हालत जानवरों से ज्यादा बदतर हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गमों की आंख को अस्को पर उबाल कर देखो, गमों की आंख को। हम इस सरकार से क्या चाहते हैं? आपको हमने वोट दिया, आपको विधायक बनाया, आपको सांसद बनाया, आपको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अपने वोट की ताकत से प्रधानमंत्री बना दिया, और प्रधानमंत्री बनाने के बाद आपको दिल्ली में बड़ा सा घर दिया, हवाई जहाज घूमने के लिए दिया, विदेश की यात्राओं के लिए पैसा दिया, दिल्ली में बड़ा सा कार्यालय दिया, गाड़ियों का काफिला दिया, सुरक्षा के लिए अपने जवान दिए, और इसलिए दिए कि आप किसान की हिफाजत करो, माताओं बहनों की हिफाजत करो, हिंदुस्तान के नौजवानों की हिफाजत करो। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अट्ठास कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं अन्नदाताओं के आंदोलन का। अन्नदाता 200 से ज्यादा इस देश के अन्नदाता शहीद हो चुके हैं, अपने प्राणों की आहुति दी है उन्होंने इस आंदोलन, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है, उन पर पानियों की बौछारें की जाती है, उन पर लाठियों की बौछार की जाती है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, और ठीक कहा अशोक कमांडो ने, जैसे अखनूर सेक्टर में कीले गाड़ी जाती है दुश्मन देश की सेना के लिए, उसी तरीके से अन्नदाताओं के लिए कीले गाड़ रहे हो, हम तुम्हारी सत्ता की ताबूत पे कीले गाड़ेंगे। तुम गाड़ो कीले, आप उनको आतंकवादी कहते हैं। मैं एक दिन एक बुजुर्ग की बात सुन रहा था, मन बहुत भावुक हो गया। 90 साल के एक बुजुर्ग बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे, इलम सिंह जी। उन्होंने कहा, दो बेटे मेरे फौज में हैं, चार किसान हैं, और मुझे अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। मेरी उम्र 90 साल है, 56 दिन से आंदोलन में बैठा हूं। शर्म आती है ऐसी सरकार इस देश के अंदर चलती है। मैं कहना चाहता हूं, जानवर भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादारी निभाते हैं मोदी जी, आप जिसका हुआ दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी कहते हो, आपकी हालत जानवरों से ज्यादा बदतर हो गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, गमों की आंख को अस्को पर उबाल कर देखो, गमों की आंख को अस्को पर उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। हिंदुस्तान जहां गरीब नौजवानों की फौज, जहां किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर, इस हिंदुस्तान की सरकार बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई, आज इन तीन काले कानूनों को वापस कराने के लिए 90 दिन से आंदोलन चल रहा है। 90 दिन से किसान एक ही बात कह रहे हैं, ये काला कानून वापस ले लो। सरकार कहती है इसमें काला क्या है, मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। तो मैंने कहा, झूठा था, झूठा है, झूठा ही रहेगा। सच तो बोलना ही नहीं इस इंसान को, देश के प्रधानमंत्री हैं, सुबह खुद बोलते हैं, शाम को खुद बोलते हैं, सुबह उठ के फिर कोई झूठ बोल देते हैं। आप कह रहे हैं एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, संजय जी देश का प्रधानमंत्री कह रहा है एमएसपी रहेगा, आप भरोसा क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, चलो भरोसा कर लेते, 15 लाख आपके खाते में आ गए। बोले नहीं आए,
मैंने कहा काला धन तो आ गया होगा, बोले नहीं आए। मैंने कहा जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई, बोले नहीं मिली। मैंने कहा नोटबंदी से देश की तकदीर बदल गई, बोले नहीं बदली। मैंने कहा आतंकवाद देश से खत्म हो गया, बोले नहीं खत्म हुआ। मैंने कहा 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल गया, बोले नहीं मिला। मैंने कहा गन्ना किसानों का 1 रुपए दाम बढ़ा, बोले नहीं बढ़ा। मैंने कहा 12,000 करोड़ गन्ना किसानों का बताया है, उनका भुगतान हो गया क्या? बोले नहीं हुआ। अरे मैंने कहा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50% तो मिल गया होगा किसानों को, बोले नहीं मिला। मैंने कहा फिर ऐसे बेईमान आदमी का भरोसा कैसे कर ले? आप बताओ कैसे भरोसा कर ले? अगर आप कहते हो एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो 1 लाइन कानून में लिखने में क्या परेशानी है कि एमएसपी से कम पर हिंदुस्तान में कोई भी किसान का अनाज खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको जेल भेजा जाएगा, ऐसा लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम? इसका मतलब आप किसानों को उनका हक देना नहीं चाहते, इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है, इसका मतलब आप किसानों को एमएसपी नहीं देंगे और सारा कुछ अपने चंद पूंजीपति मित्रों को दे देंगे। ये कानून अदानी के लिए है याद रखना, ये कानून अंबानी के लिए है याद रखना, ये कानून अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया है मोदी जी ने। आप यहां देशभक्ति की बात कर रहे हैं, किसानों को देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं मोदी जी आपको बताना चाहता हूं, ये मुल्क किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कुर्बानी से आजाद नहीं हुआ, ये मुल्क आजाद हुआ है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, रामप्रसाद बिस्मिल की कुर्बानी से, अशफाक उल्ला की कुर्बानी से, राजेंद्र लहरी की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ है, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की कुर्बानी से आजाद नहीं हुआ। इसलिए हमारी देशभक्ति पे सवाल मत उठाओ, हमारी देशभक्ति पे सवाल मत उठाओ। हम देशभक्त हैं और देशभक्त ही मरेंगे। तुमसे कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने जमींदारी प्रथा हिंदुस्तान में खत्म की, मोदी जी नया जमींदार लेकर आ गए। नया जमींदार, उस जमींदार का नाम जानते हो? अडानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपति। अब क्या करेंगे? 5,000 एकड़, 10,000 एकड़, 20,000 एकड़, 50,000 एकड़ जमीन कॉन्ट्रैक्ट पे आपसे लेंगे। अब किसी किसान के पास अकेले 10 एकड़ 20 एकड़ से ज्यादा तो है नहीं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साथ किया जाएगा। जब 5,000 एकड़ जमीन बन जाएगी तो उनका डोला उनकी मेरे तोड़कर उसको सपाट किया जाएगा। फिर 5,000 एकड़ जमीन को तार से घिरवा लिया जाएगा। उस तार के घेरे के बाहर अडानी का सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो जाएगा। आपकी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 40 फीट का रास्ता उसमें बीच में बनेगा, कोई फल कोई सब्जी जो भी वो बोना चाहेंगे, जो भी उपज पैदा करना चाहेंगे, अडानी उसमें अपनी पैदावार करेगा। अगर मुनाफा हुआ तो उसका होगा, माल उसका होगा, अगर घाटा हुआ बर्बाद हुए आप न्यायालय भी नहीं जा सकते एसडीएम कोर्ट से। आप ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आपकी जमीनों को अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, याद रखना। आपकी जमीनें आपसे चली जाएंगी, 3 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। आप जाओगे एसडीएम के दफ्तर के बाहर, एसडीएम साहब से कहोगे हमारी जमीन अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट में हमने दिया था, चल के एसडीएम साहब दिला दीजिए, तो 4 डंडा एसडीएम भी मार के भगा दे। बोलेगा तो आप कहोगे यहां था हमारा खेत, वो कहेगा वहां था, आप कहोगे वहां था, ये कहेंगे यहां था, फिर वो सेटेलाइट से खोज के बताएंगे आपका खेत कहां था। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा कानून अनलिमिटेड स्टोरेज,
असीमित भंडारण की छूट हमारे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में कहा गया, सभी धर्मों में कहा गया, अगर समाज में लोग भूखे हैं तो अपने घर के अंदर अनाज की जमाखोरी मत करना, जमाखोरी पाप है। लेकिन मोदी जी ने लाइसेंस दे दिया जमाखोरी करने का, अनलिमिटेड स्टोरेज करने का, सस्ते में गेहूं खरीदा जाएगा, सस्ते में चावल खरीदा जाएगा, सस्ते में फल खरीदा जाएगा, किसान से सस्ते में सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसको बड़े बड़े स्टोरेज में रखा जाएगा, जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो महंगे दामों में हमको आपको बेचा जाएगा। यह है तीसरा काम। आप बताओ ये कानून काला है कि नहीं है, जोर से बोलना, काला है, काला है कि नहीं है, वापस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसी काले कानून को वापस कराने के लिए 90 दिन से किसान बैठा है, मोदी जी मानने के लिए तैयार नहीं, योगी जी मानने के लिए तैयार नहीं, मुकदमे लिखते हैं, 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पार्लियामेंट में मैंने माइक तोड़ा तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी रो रही थी, संजय सिंह ने माइक तोड़ दिया, मुझे फख्र है मैंने किसानों के हक में माइक तोड़ा, बिल फाड़ के फेंका, टेबल पे खड़े होकर विरोध किया, मुझे इस बात की खुशी है जब इतिहास लिखा जाएगा इस बिल का तो उसमें आम आदमी पार्टी का नाम विरोध में लिखा जाएगा कि हमने इस बिल का विरोध किया। हमने घुटने नहीं टेके सरकार के सामने, लिखो मुकदमे जितना लिखना है, भेजो जेल जितना भेजना है। और इसलिए साथियों और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, कमर कस लो, 28 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सभा है मेरठ के अंदर, मेरठ की क्रांति धरा पर, वो मुख्यमंत्री जिसने पहले दिन से किसानों का साथ दिया, वो मुख्यमंत्री जब उससे नए स्टेडियम मांगे गए उसने कहा मोदी जी हम किसानों के लिए जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे, ऐसे मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए 28 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि मेरठ पहुंचिए और उस रैली को सफल बनाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।